मंच से गिरने की घटना को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि मुझे अहंकार आ गया था, इसलिए ऐसी घटना हुई। उन्होंने कहा ईश्वर ने उन्हें संकेत दिया है कि राजनीतिक दृष्टि से कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि गुरु कृपा और दुआओं से वे 7 फीट ऊंचे मंच से गिरकर भी सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा, मैं मंच से गिरा, इसमें कहीं ना कहीं ये संदेश है कि मैं खुद को फिर से जांचू परखूं और मानव सेवा में इस अवसर का पूरा सदुपयोग करूं। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने संकेत दिया है कि राजनीतिक दृष्टि से अहंकार नहीं होना चाहिए। मेरे गिरने में मेरा ही दोष था, मैं इससे किसी को दोषी नहीं मानता, मुझ में ही कमी रही है। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री मेरे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने आए थे, कोई भी कयास लगाना सही नहीं है। वहीं बिजली के बिल को लेकर उन्होंने कहा कि 100 यूनिट पर 100 रुपए बिजली का बिल आ रहा है, लेकिन बाकी बचे हुए पैसे सरकार अनुदान के रूप में देती है। देखिए, निश्चित रूप से कल की घटना को कि कई हर व्यक्ति का एक अपना दृष्टिकोण होता है सोचने का, देखने का, मेरा भी दृष्टिकोण है। कहीं ना कहीं जो मंच से मैं गिरा हूं, मैं किसी को दोषी या किसी की कमी बताऊं, उससे पहले मुझे खुद को आत्मचिंतन करना चाहिए। कहीं ना कहीं मेरा कमी होगी, इसके कारण ये घटना घटी। और ये संकेत भी दिया है, अगर इस दुनिया में मानते हो तो ईश्वर है, कि राजनीतिक रूप से कभी अहंकार पैदा नहीं होना चाहिए। पद पल भर में आएगा, पल भर में जाएगा। कि मैं ऐसा मानता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरी जो सेवा करने की, मैं आज वहाँ से 7 फीट ऊंची मंच से गिर के मैं सकुशल, मेरे कोई फ्रैक्चर नहीं है, मेरे कोई इंजरी नहीं है, और मैं सकुशल ठीक हालात में खड़ा हूँ, तो ये लोगों, मेरे गुरु महाराज की, भगवान की, मेरे माँ बाप की कृपा और लोगों की दुआएं हैं। पर कहीं ना कहीं गिरा हूँ तो ये भी त्रुटि होने की संभावना है कि मेरा सेवा करने में भी मेरी में कुछ ना कुछ कमी होगी। इसलिए ईश्वर ने फिर ये अवसर दिया है कि और अपने को जांचो परखो, और मानव सेवा के लिए जो तुम्हें ईश्वर ने अवसर दिया है उसका पूरा सदुपयोग करो। ये भी एक संकेत है। आज वो माननीय गृह मंत्री जी मेरे निवास स्थान पे मेरे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने आए और स्वास्थ्य पे चर्चा हुई। आधा पौन घंटा हम लोग बैठ के चर्चा, चाय पानी पिया, बात की। आप लोग खुद एनालिसिस करें कि बिजली के दाम कितने बड़े हैं। मैंने तो एनालिसिस किया है, अगर जून का बिल अब जुलाई में आएगा तो आप जो जून में बिल आया था 100 यूनिट का, उसका एनालिसिस करना, और जुलाई में आएगा उसका एनालिसिस करना। मेरा कहना है कि अगर बिजली के दर बढ़े हैं तो उपभोक्ता 100 यूनिट बिजली कितने बिल आएगा, तो आप देखेंगे 100 यूनिट बिजली का बिल अगर पहले 603 रुपये आएगा तो जून में आया होगा, अब तो वो 588 रुपए का ही आएगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।